ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मांदाता द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी दो भागों में बंटकर मांदाता द्वीप का निर्माण करती है। ये द्वीप करीब 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ये द्वीप ऊपर से ओम आकार का दिखाई पड़ता है, इसी वजह से इस स्थान को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ ज्योतिर्लिंग पंचमुखी रूप में स्थापित है। मान्यता अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांदाता ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर शिवलिंग दो भागों में बटा हुआ है, पहला ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर शिवलिंग, लेकिन दोनों शिवलिंगों को एक ही शिवलिंग के रूप में माना जाता है। अगर आप भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको ओंकारेश्वर दर्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करते हैं। ओंकारेश्वर तक आप बाय बस, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट आ सकते हैं। यहाँ पर बाय ट्रेन आने के लिए ओंकारेश्वर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर है। खंडवा रेलवे स्टेशन से ओंकारेश्वर 75 किलोमीटर की दूरी पर है। खंडवा से ओंकारेश्वर के लिए आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। यहाँ से बस का किराया 100 से 150 रुपए तक का रहता है और प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस 1500 से 2000 तक होते हैं। अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ओंकारेश्वर आते हैं तो उज्जैन बस स्टैंड से आपको सुबह के 7 से 8 बजे के बीच ओंकारेश्वर के लिए बस मिल जाती है। उज्जैन से ओंकारेश्वर 140 किलोमीटर की दूरी पर है। 220 रुपए के किराए में बस आपको 5 से 6 घंटे में ओंकारेश्वर बस स्टैंड तक ले आती है। वहीं इंदौर से आपको ओंकारेश्वर जाने के लिए बड़ी ही आसानी से बस मिल जाती है। इंदौर से ओंकारेश्वर 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर से बस का किराया 150 से 200 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। और प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस 2500 से 3000 रुपए तक होते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आने का ऑप्शन लेते हैं तो यहां से नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से आप सेम वे में ओंकारेश्वर तक आ जाएंगे। ओंकारेश्वर बस स्टैंड से ओंकारेश्वर टेंपल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो में 20 रुपए देकर ओंकारेश्वर तक आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो बड़ी ही आसानी से यहां तक पहुंच जाते हैं। उज्जैन से ओंकारेश्वर तक के रोड की कंडीशन भी अच्छी है। काफ़ी लोग उज्जैन में एक दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। उज्जैन और इंदौर से एक दिन के लिए बस मिल जाती है, जिसमें बस सुबह आपको लेकर आती है और शाम को वापस छोड़ देती है। यदि आप यहां रुकना चाहते हैं तो ओंकारेश्वर पहुंचने के बाद यहां पर स्टे करने के लिए आपको प्राइवेट होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं मिल जाती हैं, जिनमें आप सस्ते में स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला के चार्ज 300 से 500 रुपए हैं। गेस्ट हाउस के चार्जेस नॉन एसी रूम के 500 से 900 रुपए और एसी रूम के 1000 से 2000 रुपए तक के हैं। वहीं प्राइवेट होटल में रुकने के 700 से 1000 तक के चार्जेस देने होते हैं। इनमें से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टे कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको नर्मदा नदी को पार करके जाना होता है। नर्मदा नदी को पार करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला, आप बोट से उस पार जा सकते हो, जिसके लिए शेयरिंग बोट का आपको 50 रुपए चार्ज लगता है। बोट आपको सिर्फ नदी पार कराएगी और घाट पर छोड़ देगी। दूसरा ऑप्शन, ब्रिज को पार करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। नर्मदा नदी के ब्रह्मपुरी घाट में स्नान करके आप लाइन में लग जाइए। श्री ओंकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला है। पहले में श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे में महाकालेश्वर, तीसरी मंजिल में सिद्धनाथ महादेव, चौथी पर गुप्तेश्वर महादेव और पांचवी पर राजेश्वर महादेव मंदिर स्थित है।
महादेव को चढ़ाने के लिए आप ओंकारेश्वर मार्केट से पूजन सामग्री भी ले सकते हैं, पर शाम 4 बजे के बाद पूजन सामग्री चढ़ाना मना है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक का रहता है। ओंकारेश्वर यात्रा पर जो भी आता है वो यहाँ एक बार बोटिंग जरूर करता है। ओंकारेश्वर के सभी घाटों से आपको बोट मिल जाती है। शेयरिंग बोट से अगर आप बोटिंग करते हैं तो आपको 5 से 6 पॉइंट दिखाए जाते हैं, जिनमें कावेरी, नर्मदा संगम, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर डैम और ब्रह्मकुमारी घाट शामिल है। बोटिंग के लिए आपसे पर पर्सन 100 से 200 रुपए का चार्ज लिया जाता है, जिसमें आप ओंकार परिक्रमा भी कर पाएंगे। अगर आप पूरी बोट बुक करते हैं तो 2000 रुपए आपको देने होंगे। इस यात्रा में इस अलौकिक अनुभव को आप जरूर लें। श्री गजानन महाराज संस्थान की ओर से ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशाल भक्त निवास बनाया गया है, जिसमें आपको 350 रुपए से 950 रुपए तक एसी, नॉन एसी, एयर कूलर तीनों तरह के 3, 2, 4 बेड्स के फैमिली रूम मिल जाते हैं और सिंगल पर्सन के लिए अलग से डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें आप 60 रुपए का चार्ज देकर स्टे ले सकते हैं। साथ ही इस भक्त निवास में प्रसादालय भी बना हुआ है। प्रसादालय में 10 रुपए से 20 रुपए में आप यहां ब्रेकफास्ट कर पाएंगे और लंच के लिए 40 से 50 रुपए में आपको थाली की सुविधा भी मिल जाती है। वैसे भक्त निवास के बाहर भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकृति में विभाजित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आधा भाग ओंकारेश्वर में और आधा भाग ममलेश्वर में स्थित है। संपूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आपका इन दोनों मंदिरों में जाना अनिवार्य है। मान्यता है कि अगर आप ओंकारेश्वर दर्शन के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए ओंकारेश्वर दर्शन के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य कीजिएगा। दर्शन हो जाने के बाद नीचे गौमुख घाट पर पहुंचते हैं, जहां गौमुख से निरंतर जलधारा बहती रहती है। जब आप नाइट में ओंकारेश्वर ब्रिज में आते हैं तो यहां से नाइट का व्यू बेहद ही खास दिखाई देता है। अगर आप पैदल नर्मदा नदी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। इस परिक्रमा में आपको बहुत से मंदिरों के दर्शन होंगे, जिनमें से चलते चलते विशाल शिव प्रतिमा के दर्शन होंगे जो 90 फीट की है। गौरी सोमनाथ मंदिर के दर्शन होंगे, जिसमें 6.5 फीट का ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। चलते हुए हनुमान जी की विश्राम मुद्रा में मूर्ति के दर्शन होंगे। नर्मदा कावेरी संगम के दर्शन होंगे और श्री सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। इस तरह से आप परिक्रमा पूर्ण करके वापस झूला पुल तक पहुँच जाएंगे। इस यात्रा में टोटल बजट की बात करें तो 2 दिन की इस यात्रा में आपका 2500 से 3000 प्रति व्यक्ति का खर्च आ जाएगा। ये आपके ट्रेवल मोड के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये थी आपकी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव।